कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट कर रहे हैं, सेम इंडेमनिटी के जैसे होता है। मैं अब इस टॉपिक पे गारंटी पे ना आपको ना इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट से ना कंपेयर करवाऊंगी, याद रखना। इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज थी बताओ, इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज थी कॉन्ट्रैक्ट में? इंडेमनिटी में 2 पार्टीज थी। लेकिन जब अपन गारंटी की बात करेंगे, जब वेन एवर वी टॉक अबाउट गारंटी, इसमें रहेगा 3 पार्टीज। क्लियर है डिफरेंस इंडेमनिटी और गारंटी? दोनों में भी आपको यही लग रहा होगा, गारंटी क्या होता है? सामने वाला कॉम्पनसेट करता है तो वो भी इंडेमनिटी जैसे ही हुआ। आप लोग जो बेसिक मीनिंग समझते हैं गारंटी, जो आप लोगों ने सुना। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126। लेकिन जब अपन कल इंडेमनिटी कर रहे थे वो किसके अंदर था? सेक्शन 120 बताओ। मैंने बहुत हाइप किया था सेक्शन को कल वाली क्लास में, 124 और उसके जो क्या बोलते हैं हम, जो उसके राइट्स वगैरह थे वो मैंने 125 में बताया था। याद करूं, डेफिनेशन 124 में थी, जो फीचर्स बताए थे ना बेटा मैंने आपको, वो 125 में बताए होंगे। और गारंटी का जो सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 126 क्या बोलता है? गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी, और डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। किसी को कुछ समझ आया क्या मेंशन का है? देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 गारंटी के लिए बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म किया जाता है, क्यों? प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, या फिर डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है, ए और बी, सपोज अगर ए लोन देता है, किसको लोन दे रहा है? ए अगर सपोज लोन दे रहा है बी को, तो यहाँ पे एक तीसरा पर्सन है, कौन है वो? सी। सी क्या कर रहा है? गारंटी ले रहा है। किसकी? बी की। सी क्या कर रहा है? गारंटी ले रहा है बी की। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? यस मैम। गारंटी ले रहा है किसकी? बी की। तो या फिर सी क्या करता है? प्रॉमिस करता है ए को ये बोल के कि अगर बी पे नहीं कर पाएगा तो उसके बदले मैं पे करूंगा। आया समझ में? कोई डाउट है? मैम आगे देखो, दूसरी चीज देखो इसमें, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। नेक्स्ट इसमें देखो, तो इसमें से जो 3 पार्टीज का भी मैंने मेंशन किया, ये ए बी और सी करके, तो इसमें जो ए है, इसमें जो ए का जो मैं मेंशन कर रही हूं, ए इसमें क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डेटर, जो पैसे क्या होता है डेटर बताइए आप लोग, अकाउंट्स वाले स्टूडेंट हैं?
मैम जो देगा। जो देगा वो प्रिंसिपल डेटर। देखो जो पैसे देगा वो क्रेडिटर होगा, और यहाँ पे जो बी है वो होगा प्रिंसिपल डेटर, और जो सी है जो गारंटी ले रहा है या जो गारंटी दे रहा है वो हो जाएगा श्योरिटी, SURETY। ये श्योरिटी को ही बोलेंगे गारंटी। देखो थ्री पार्टीज जो मैंने आपको बताया था ये वही थ्री पार्टीज है, प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया तो ए जो पैसे दे रहा है वो होगा क्रेडिटर, बी जो पैसे ले रहा है वो है डेटर, सी जो इन बी की गारंटी ले रहा है वो हो गया श्योरिटी। तो अगर पूछेगा पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कितनी पार्टीज हैं, थ्री पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर में से पैसे, सॉरी पैसे बोल रही हूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन देती हूँ मैं, इधर देखो, क्रेडिटर में से प्रिंसिपल हटा सकते हैं लेकिन डेटर में से नहीं हटा सकते। वो क्यों, देखो किस लिए मेंशन किया है कि ये जो श्योरिटी है जो गारंटी ले रहा है किसकी ले रहा है, बी की। अगर बी पे नहीं कर पाया तो कौन पे करेगा, सी। किसको पे करेगा, ए को पे करेगा। तो ए तो क्रेडिटर है, जिसको पैसे लेने हैं वो वाली पार्टी तो चेंज होने ही नहीं वाली, जिस ए। लेकिन अब देखो ए को पैसे कौन देता है, बी देगा या फिर सी देगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर बी पे नहीं कर पाता है तो उसके बदले पे करेगा सी। तो अगर बी नहीं पे कर रहा है तो उसके वहां पे वर्ड मेंशन किए हैं प्रिंसिपल, ताकि पता चल सके कि एक्चुअल डेटर, जो एक्चुअल उधार जिसने लिया था वो कौन है। इसलिए उस वर्ड के सामने लिखते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि अगर ये पे नहीं कर पाएगा तो उस समय कौन पे करेगा उसका अमाउंट, सी। तो सी भी एक तरीके से डेटर हो जाएगा उस पॉइंट पे, इसलिए सी ने अगर उसकी गारंटी ली है तो इसलिए वर्ड लिखा है श्योरिटी, ए है क्रेडिटर और बी है प्रिंसिपल डेटर। थ्री पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बोले तो ये होगा। लेकिन अब इसमें इसके एक एसेंशियल फीचर्स देखो पहले, अब यहाँ पे एसेंशियल फीचर्स देखो, एक सेकंड। एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे इसके, पहला पॉइंट देखो, इसमें थ्री पार्टीज, ये तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए थ्री पार्टीज वाला, लेकिन साथ में तीन एग्रीमेंट बनते हैं, थ्री पार्टीज एंड थ्री एग्रीमेंट। लेकिन ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में बनेंगे ये मैटर करता है। तो थ्री पार्टीज तो आपको पता है, लेकिन एग्रीमेंट जो तीन बनेंगे वो एग्रीमेंट बनेगा सबसे पहला, एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। दूसरा इसमें एग्रीमेंट बनेगा बिटवीन द श्योरिटी एंड क्रेडिटर। तीसरा इसमें एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा, सोचो। जब एक बन रहा है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक बन रहा है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, तो तीसरा एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा, डेप्टर और श्योरिटी डेटर और श्योरिटी। ठीक श्योरिटी।
ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन डेटर एंड श्योरिटी, SURETY, प्रिंसिपल लगा रही हूँ इसके सामने. तो इसका सबसे पहला जो फीचर है, थ्री पार्टीज एंड थ्री एग्रीमेंट्स, तीन पार्टीज तो आपको पता है, लेकिन जो अब तीन एग्रीमेंट बनते हैं एक क्रेडिटर और डेटर के बीच में, जो ये बताता है कि इसने एक डेप्ट लिया है जो गारंटेड डेप्ट है. दूसरा जो एग्रीमेंट श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होगा, ये श्योरिटी फर्स्ट पार्ट, श्योरिटी हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट, श्योरिटी है थर्ड पार्टी और ए है क्रेडिटर मतलब फर्स्ट पार्टी. नेक्स्ट एग्रीमेंट बनेगा प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का. नेक्स्ट फीचर्स देखो अब इसमें, कंकरेंस ऑफ थ्री पार्टीज. क्या होता है कंकरेंस? एक साथ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी एक साथ होना बहुत जरूरी है, ये इसका मेन रिक्वायरमेंट है, याद रखना. अगर तीन पार्टी नहीं है तो वो इंडेमनिटी हो जाएगा, मतलब उसमें दो है तो वो इंडेमनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाना है तो आपको उसमें तीन पार्टीज होनी चाहिए. आगे देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी लाइबिलिटी. देखो प्राइमरी लाइबिलिटी, जो डाउट था ना किसी का प्रिंसिपल डेटर वाला, वो बहुत अच्छा डाउट था कि प्रिंसिपल क्यों मेंशन किया. देखो क्यों मेंशन किया था, मैंने क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल था ये वर्ड, इससे क्या पता चलता है एक्चुअल, ये बोला था मैंने कि एक्चुअल डेटर कौन था, बी. अगर बी नहीं पे कर पाएगा तो उसके बदले कौन पे करेगा? सी पे करेगा. किसको पे करेगा? ए को. तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, तो प्राइमरी एक वर्ड है और एक होता है सेकेंडरी वर्ड. इसमें एक प्राइमरी वर्ड है एक सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब पहले और सेकेंडरी मतलब बाद में. अब इसमें एक चीज बता रही हूं समझो, एक ऐसा पर्सन जो श्योरिटी के अलावा, देखो पहले जो अमाउंट पे करना है वो किसको पे करना है? ए और बी में. पहले तो बी को ही पे करना है. अगर बी पे नहीं कर पाता है इन केस ऑफ एनी फेलियर, तब कौन पे करेगा? सी. तो जो पहले पे करेगा उसकी क्या होगी? प्राइमरी लाइबिलिटी. याद रखना दो टाइप की लाइबिलिटीज में एग्जिस्ट करेंगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. लेकिन जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो फर्स्ट में आ रही है और वो हमेशा किसकी होगी? डेटर की. क्लियर है किसी को? श्योरिटी के अलावा कौन है जो पे करेगा? ये प्रिंसिपल डेटर, जिसकी सबसे पहले लाइबिलिटी बनती है पे करने की. इसलिए वर्ड यूज क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी लाइबिलिटी. क्लियर है? यस मैम. नेक्स्ट देखो इसमें, फोर्थ पॉइंट, ऑल द essentials of valid contract must be fulfilled. जितने भी essentials हैं valid contract के, वो सब आने चाहिए. क्या क्या essentials है बताइए? कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. बताए ना ये मैंने सारे पॉइंट्स. तो वो जितने भी फीचर्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो क्या होगा? फुलफिल होंगे. अब देखो इसमें दो टाइप के एग्जेम्पशंस आएंगे, एक्सेप्शंस. इसमें दो एक्सेप्शंस हैं और वो दो एक्सेप्शंस क्या होगा? एक्सेप्शन की मीनिंग क्या होती है बताओ? अगर मैं कहीं पे एक्सेप्शन लगाती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है?
बताओ एक्सेप्शन का मतलब बताओ। मतलब किसी चीज को छोड़ के, जैसे दो चीज है तो एक को छोड़ के दूसरा। नहीं कुछ और बताया तो बेटा, कोई और बोलेगा। प्रांजलि बोलो। एक ही लड़की रिप्लाई कर रही है क्लास में, क्यों बाकी नहीं है? बताओ एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन की मीनिंग बताओ। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया है, एक्सेप्शन मतलब उसका अपोजिट हो जाना, जो चीज़ वैलिड है अब उस पर स्टॉप लग जाना। अचानक से एक्सेप्शन का वर्ड जिसे अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इसका मतलब है इस पॉइंट को अब मैं अपोजिट करने वाली हूँ। बताया था मैंने क्लास में ये चीज़ आपको, एक्सेप्शन का वर्ड क्या होता है। ये वर्ड हर टॉपिक में मिलेगा आप लोगों को BRF में, एक्सेप्शन। याद आया कुछ, ऐसे करवाया था मैंने या बताया है आप लोगों को? रिप्लाई करो। यस मैम। तो अभी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप लोग, क्या हो गया? श्रद्धा, श्रद्धा भी चुप रहती है आजकल क्लास में। एकता, हनी, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट करना। तो जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल होंगे, लेकिन कौन से दो एक्सेप्शन होंगे जहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे? तो वो कौन कौन से हैं? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब अगर सपोज कहीं पे प्रिंसिपल डेटर कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सपोज इन कैपेसिटी की कौन कौन सी कंडीशन थी? अनसाउंड माइंड, इनसैनिटी और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन एनी केस या किसी सिचुएशन में प्रिंसिपल डेटर इनकैपेबल हो जाता है, इनकैपेसिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट कौन फुलफिल करेगा? गारंटर कौन करेगा? श्योरिटी। दूसरा है इसमें, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी डायरेक्ट कंसिडरेशन। इसमें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसमें डायरेक्ट कंसिडरेशन दे कौन, श्योरिटी किसको? क्रेडिटर को। यहाँ पे लिखा है कि लायबिलिटी डिस्चार्ज करवाने का प्रॉमिस करेगा वो। डेफिनेशन को ध्यान से देखो, इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, प्रॉमिस क्या होता है कि डिस्चार्ज अ लायबिलिटी, मतलब ए को पैसे दिलवाएगा कौन? सी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उसको कंसिडरेशन पे करे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के दो एक्सेप्शन ये होते हैं कि जिसको एक्चुअल में पैसे देने थे प्रिंसिपल डेटर, अगर वो कहीं इनकेपेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो भी जो एग्रीमेंट होगा क्रेडिटर और श्योरिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी चीज, अगर इसमें वो श्योरिटी लायबिलिटी डिस्चार्ज भी करवा रहा है फिर भी वो कोई कंसिडरेशन नहीं पे कर रहा है, वो सिर्फ अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा लायबिलिटी को डिस्चार्ज करवाने का, उसके बदले में अगर श्योरिटी काम करवा रहा है किसका? ए का, तो जरूरी नहीं है कि ए उसको पैसे देगा। ए उसको पैसे देगा क्या? क्यों, तुमने मेरे पैसे निकलवा के दिए, मेरा काम करवा के दिया, तो इसके बदले मैं आपको एक अमाउंट पे कर रहा हूं, ऐसे बोलेगा क्या वो उसको? बताओ। नो मैम। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर।
किसी को डाउट है इस पॉइंट में पूछो, फोर्थ पॉइंट में। देखो इसमें दूसरे एग्जाम्पल ये होंगे जब आप लोग कहीं शॉप पे जाते हैं कुछ क्रेडिट पे लेने के लिए। तो अगर आपका सपोज आप एक नया स्टार्टअप डाल रहे हैं, आप मार्केट में हैं, आप एक नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, तो आप न्यू कमर है, आपको कोई जानता नहीं है मार्केट में, लेकिन आप किसी का रेफरेंस लेके जा रहे हैं उस शॉप में। तो जो आपको रेफरेंस ले रहा है आपको, मतलब आपको जो रेफरेंस दे रहा है अपना, तो उस पॉइंट पे वो क्या बन जाता है, आपकी श्योरिटी बन जाता है। वो पर्सन जिससे आप रॉ मटेरियल लेने जा रहे हो वो आपको वो सामान भी तभी दे रहा है क्योंकि उसके पास रेफरेंस आया है आपका। तो जिस पर्सन का रेफरेंस आया वो बन जाता है श्योरिटी, और जो स्टार्टअप करने गया वो बन गया डेटर, और जिसने दिया वो बन गया क्रेडिटर। तो हमेशा जिस जहाँ पे क्रेडिट रिगार्डिंग अमाउंट इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ पर गारंटी के एग्जाम्पल्स बनते हैं। अगर आप लोग टेलीविजन वगैरह भी लेने जाते हैं किसी के रेफरेंस पे क्रेडिट पे, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट में भी ये वाला एग्जाम्पल लगा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा इसके जिसमें आप ये लगा सकते हैं। आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें। फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में लिखना आप ना श्योरिटी लाइबिलिटी। श्योरिटीज लाइबिलिटी इज सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों लिखा मैंने आपको समझ में आया? यस मैम। दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ये देखो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे जो फिफ्थ सेकेंड पॉइंट से कंपेयर करो, सॉरी थर्ड पॉइंट से कंपेयर करो फिफ्थ पॉइंट को, जो एग्जिस्टेंस हो रही है प्राइमरी लाइबिलिटी वो किसकी हो रही है? डेटर की होगी, बी की। लेकिन जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो कब आएगी? सेकेंडरी, जब फेलियर हो जाएगा, जब वो नहीं पे कर पाएगा तब श्योरिटी क्या करेगा? उसको अमाउंट पे करेगा, और उस पे करेगा या कुछ मैनेज करेगा या प्रॉमिस जो उसका कर रहा है या फिर कुछ ऐसा करेगा कि बी उसको पे कर दे, या फिर सी पे कर रहा है तो बाद में सी डील कर लेगा बी से, तो उसकी लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी। और इसके बदले में इसको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा काम करने के बदले में, श्योरिटी को। इट मींस इसको उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है?